हे गाइस, राम राम, नमस्कार। दिस इज़ डॉक्टर सुधा एंड यू आर वॉचिंग इंडिक किचन। एज यूजुअल आज हमारे किचन में फिर एक नई रेसिपी बनी है। क्या आपने कभी मेथी के साथ पनीर खाए हैं, पराठे उसके? तो आइए ना, चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट पराठे बने हैं, मैंने आपको दिखाया, इसे मोड़ दिया और ये फिर वापस उसी तरह से अपने शेप में आ गया है। और इसकी स्टफिंग देखिए और इसकी सॉफ्टनेस देखिए। और साथ में जो ये चटनी बनाई है ना मैंने, इसे लहसुनिया चटनी है ये लाल मिर्च की। और ये आप रख दीजिए आराम से फ्रिज में, एक सप्ताह तक बड़ी आराम से रहती है। और साथ में देखिए चॉप कर लिया है मेथी। चलिए देखते हैं पराठे इसके कैसे बनते हैं। तो इसमें हींग, नमक, अजवाइन डाल के डेढ़ कटोरी आटा में सारी चीज़ें डाल दी हैं। और इनको इनके इसके बाद ना हम लोग जो चॉप किए हुए हैं मेथी उसे डाल देंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो जितना रिक्वायर्ड है उतना पानी डाल डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बना के और इसे आराम से रेस्ट के लिए 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। तो गाइज, आप देख रहे हैं इंडिक किचन और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। कुकिंग वीडियोज़ मैं डालती हूँ इस पर। और प्रोफेशनली मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं दिखाऊंगी कभी आपको अपनी क्लिनिक पे भी जब बैठूंगी। तो ये पहले तो आप आज रेसिपी देख लीजिए और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आई रिक्वेस्ट गाइस। तो चलिए इसके बाद की प्रोसेस हम लोग देखते हैं। और इसके लिए हम लोग चॉप कर लेंगे अनियन। और अनियन का जो एक उसका ना निकला हुआ है देखिए साग जैसा, तो स्प्रिंग अनियन जो निकल गया है उसे हम लोग फेंकेंगे नहीं, उसे भी चॉप कर लेंगे साथ में। और अनियन के साथ हम लोग चॉप कर लेंगे जिंजर और धनिया की पत्ती और साथ में हम लोग हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें हम लोग एकदम बारीक चॉप करना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें चॉप करने के बाद ये हम लोग मिलाएँगे पनीर में। तो पनीर हमारा कच्चा रहेगा और बहुत ही टेस्टी बनती है ये पराठे और चटनी। आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं ले जा सकते हैं, अपने ऑफिस के लिए ले जा सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के साथ होती हैं और बहुत इजी रेसिपी है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपकी सारी तैयारी है तो आप इसे विद इन नो टाइम बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सारी चीज़ें हमने बारीक चॉप कर ली हैं। अब इनको हम लोग पनीर में मिक्स करेंगे। तो पहले पनीर को हम लोग ग्रेट कर लेंगे। तो ये 100 ग्राम्स पनीर है और इसे ग्रेट कर लेंगे अच्छे से और ताकि ये काफ़ी एकदम सॉफ्ट हो जाए। और इन्हें फिर हम लोग मिक्स भी कर लेंगे अपने हाथों से। तो इसमें कुछ मिला देती हूँ मसाले। तो सिर्फ मसालों में लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है और थोड़ी सी हल्दी और नमक, बस ये आमचूर पाउडर है थोड़ा सा, बस ये सारी चीज़ें रहेंगी, ज़्यादा और मसाले नहीं इसमें जाते हैं। और जितनी चीज़ें हमने चॉप की थी वो मिला दिया है। अब ये हमारी जो स्टफिंग है ये तैयार है बनके। तो हमारा आटा गून चुका और स्टफिंग हमारी तैयार हो गई। अब चलती हूँ चटनी की तरफ। तो आइए देखिए चटनी कैसे बनती है। तो चटनी के लिए देखिए पूरी लहसुन का एक गांठ हमने ले लिया है और 10 से 12 लाल मिर्च ली हैं। तो इसे हमने बीज के साथ लिया हुआ है, आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं। ये बहुत तीखी वाली मिर्च नहीं थी इसलिए हमने बीज नहीं निकाले हैं। और वैसे भी इस पराठे के साथ थोड़ी तीखी चटनी ना बहुत मज़ेदार लगती है। तो इनको रोस्ट कर लेना है, लहसुन को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसके बाद मिर्च को और इसके साथ हम लोग मिलाएँगे 1 चम्मच ज़ीरा और साथ में हम लोग रोस्ट कर लेंगे। तो ये तुरंत रोस्ट हो जाती हैं। और इनको हम लोग एक मिक्सी के जार में ना डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड भी करना है तो थोड़ा कोर्सली ग्राइंड करना है, बहुत ही उसे महीन नहीं बनाना है। ये देखिए ये भी भुन गई हैं हमारी। अब चलिए इनको डालती हूँ मिक्सी के जार में। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंडी किचन में बहुत सी वीडियो पहले से डली हुई हैं, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं गाइस, आप बहुत टेस्टफुल रेसिपीज़ हैं तो ज़रूर देखिएगा और अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अब लहसुन के छिलकों को हम निकाल लेंगे। तो लहसुन को रोस्ट करने का दो फ़ायदा है, एक तो इसके छिलके बहुत जल्दी निकल जाते हैं
और उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, एक सौंधी सी खुशबू आती है लहसुन की, तो चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। अब ये सारी चीज़ें देखिए हम लोग डाल दे रहे हैं और इसे हम लोग अब पीस लेंगे। तो मिक्सी ले लिया है, आज हमारा फूड प्रोसेसर ख़राब हो गया था, मिक्सी ले लिया है और मिक्सी में हमने इसे पीस लिया है। ये देखिए इस तरह से इसका मिक्सचर होना चाहिए, पेस्ट जो है बहुत महीन नहीं। अब एक छोटी सी कढ़ाई ली है, उसमें तेल डाल दिया है, तो ये छोटे चम्मच से 3 चम्मच तेल है और इसमें सरसों, ज़ीरा और हींग, करी पत्ते, ये चारों चीज़ें हम लोग डालेंगे, मतलब ये एक तरह का तड़का होगा। और इसमें हम लोग देखिए वो चटनी डाल दे रहे हैं और इन्हें भून लेना है। तो ये भून भी जाती हैं बहुत जल्दी, क्योंकि रोस्ट की हुई थी तो इन्हें जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये भून गई हैं, अब इसमें हम लोग टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। नमक डाल दिया है और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो क्या है बताऊँ, वो है आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ दें। और जब आप नींबू का रस निचोड़ रहे हैं ना, तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और बस ये बन गई आपकी बहुत ही मज़ेदार लहसुनिया चटनी, और वो भी लाल मिर्च की, और साथ में वो पराठे, माय गॉड, प्लीज़ ट्राई इट, यू विल एंजॉय। तो ये देखिए चटनी हमारी रेडी है और अब चलती हूँ पराठे बनाने की तरफ। तो गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और आटा जो हमारा लगा हुआ था, इसके पहले आप गोले बना लीजिए, तो इक्वल साइज़ के गोले पहले बना लीजिए, तो ये बहुत ही जल्दी आप बना पाएंगे। फटाफट स्टफिंग डालिए, तवे पे डालिए और एक तरफ बेलते जाइए। तो सारे गोले बन गए हैं और इस तरह से हम स्टफिंग डालते हैं, और बस आप जितनी चाहें स्टफिंग डाल दें, ये बिल्कुल भी नहीं फटती है, और बल्कि आप ज़्यादा सफिशिएंट डालें ताकि खाने में बड़ा मज़ेदार लगे। और ये देखिए अब इसे हम लोग बेल लेंगे और जैसे पराठे बनाते हैं वैसे सेंक लेंगे। तो आज हम लोग इसे सेंकेंगे घी से। आप जो भी ऑयल खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, घी खाते हैं, या जो भी खाते हैं, आप उससे बना लें। अब ये तब तक सिकता है जब तक हम लोग और एक पराठे बेल लेंगे। तो पराठों का शेप भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, या आप राउंड शेप दीजिए, या फिर उसे स्क्वायर दीजिए, या उसे ट्रायंगल दीजिए, ये सभी तरह से बन जाती है। देखिए इसे भी बेल लिया है। अब ये पराठे एक तरफ से हमारे सिक गए हैं, इसे पलट लूँगी और बस तेल लगाते हुए, घी लगाते हुए इसे फ्लिप ओवर करते हुए पका लेना है। तो गाइज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, आपका सपोर्ट चाहिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इतनी दूर तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये देखिए हमारे एक पराठे बन गए हैं। अब इसी के ऊपर मैं अपने दूसरे पराठे डालूंगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा घी है ना, वो दूसरे पराठे में चला आता है। तो बस यही फंडा मैं अपनाती हूँ। उसे एक प्लेट में निकाल लिया है और हमारा दूसरा पराठा भी ये देखिए ऑलमोस्ट बन के तैयार है। तो फिर इसे चलिए सर्व करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको इसकी स्टफिंग, इसकी सॉफ्टनेस, इसका इतनी अच्छी फ्लेवर है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है चटनी से और पराठों से, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देखिए दोनों पराठे हमारे तैयार हैं और देखिए इसकी सॉफ्टनेस, देखिए इतनी सॉफ्ट है और गर्म है, तो थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी आपको दिखाना, लेकिन ये देखिए बिल्कुल इसमें से ना भाप निकल रहा है, बिल्कुल गर्म है और कितनी अच्छी बनी है, एकदम सॉफ्ट और पतले पराठे चटनी के साथ। ज़रूर बनाइएगा, एक बार मेरे कहने पे बनाइए गाइस, बहुत टेस्टी होती है। तो बस ये रही आज की रेसिपी हमारी, आज की ये डिनर रेसिपी है हमारी, ये देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलती हूँ अगली वीडियो में।